हेलो एवरीवन, मैं नमसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नमसा। आप सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ही ज्यादा रीचिंग दो ना। मैं कह कह के थक गई हूँ कि भाई इतने बुरे व्यूज मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे जितने अभी आ रहे हैं। इतनी रीचिंग डाउन है चैनल की। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए ताकि बेहतर हो पाए। तो आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं भाई पाकिस्तानी किड्स की जो है ना थॉट्स और इंडियन जो बच्चे हैं उनकी सोच, मतलब उनको क्या सिखाया जाता है स्कूलों में, वो हम देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। पहले आएगी पाकिस्तानी बच्चों की वीडियो, उसके बाद आएगी इंडियन बच्चों की वीडियो। एंड तक देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं आज की वीडियो। ये सिखा रहे हैं उसको। स्ट्रॉन्ग आर्मी, वाह ग्रेट। आई विल ओपन एज मच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज पॉसिबल एंड आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू मेक पाकिस्तान लिटरेसी 100%। माय प्लान इज टू व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल हेल्प द पुअर पीपल बाय गिविंग देयर होम बाय गिविंग देम होम्स। Inshallah, he is going to give homes to everyone. My pledge to my country is that I will finish all corruption, and so we will prove to Pakistan is not less than any other country. Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! I love Pakistan, I will sacrifice my life for Pakistan! I am the I love Pakistan! We all love Pakistan! Pakistan! Sorry. Pakistan, we love our country. Pakistan, Zindabad! Pakistan, Zindabad! We plan to help Pakistan. What? Pakistan, Zindabad! My pledge is that I will be pilot and I will help everyone. And I will help everyone. Why are we still here? Just to suffer. Yeah, he's a pilot. Great. My plan is to that I'll study hard. Stop the cap. Stop the cap right now. Yeah, he's going to study hard. Why are you bullying me? For Pakistan. That's a spread, great. I'll pledge that I will be the I will save my country. He will save the country, inshallah. When I will grow up, I will be an army and save Pakistan and destroy India. I will be pilot. India video start. Adil Verma, Adit Vishkarma, Mamya Mohr, Abdul Arshid, Aradha Bach. अच्छा ये बताओ, बड़े होके तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट। ये बताओ जो भारत के जो नेबरिंग कंट्री हैं, पास पास पड़ोस के देश हैं, उनका कुछ पता है आपको? किसी देश का नाम पता है? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। पाकिस्तान किस तरह की कंट्री है, कुछ जानते हो उसके बारे में आप? पाकिस्तान जो है मतलब इंडिया के दुश्मन है, और वो मतलब अच्छी कंट्री है, और उसके जो है मतलब वो हम लोग को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसके सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, कुछ मतलब कुछ ही लोग होंगे जो हम लोग को ख़त्म करना चाहते हैं। चाइना कैसा देश है और उसके भारत के साथ कैसे संबंध है, कैसे रिलेशन? वो भी हम लोग को दुश्मन ही है, लेकिन वो उसकी आर्मी फर्स्ट है, वो सबसे बेहतर देश कह सकते हैं उसको, लेकिन इंडिया का दुश्मन है वो। उसकी आर्मी सबसे बेस्ट नहीं, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है। अच्छा, और ये बताओ कि जो अगल बगल की कंट्री हैं उसमें कोई दोस्त कंट्री है, मतलब जो है कौन वर्ल्ड के अंदर कोई फ्रेंड कंट्री है भारत की? रशिया और अगल बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं। अच्छा ये बताओ, और कोई दुश्मन कंट्री भी है, मतलब पाकिस्तान चाइना को छोड़ के और कोई भी दुश्मन कंट्री है भारत की? अमेरिका। अमेरिका कैसे? क्योंकि जब भी वो जो बांग्लादेश है मतलब जो मतलब जैसे इंडिया, वो जो है मतलब पाकिस्तान अब जो है को हेल्प करता है कि वो हम लोग को ख़त्म करने में, तो हम लोग जो वो जो है मतलब अलग अलग तरीके के वेपन लाता है,
अलग अलग तरीके के मतलब वेपन बोट्स को देता है पाकिस्तान को। और एक हमारा दुश्मन कैसे हो गया वो? हाँ वो हम लोग को दोस्त भी है और हम लोग को हर टाइम धमकियाँ देता है और हमेशा हम लोग को हर चीज़ में रोकता है। कौन? अमेरिका। ये बताओ कि जो तुम स्पेस में जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी सबसे ईजी बताऊँ तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है क्या सैटेलाइट होता क्या? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन, जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं मोबाइल को वही नेविगेट करते हैं, सारा इंटरनेट उससे का कॉलिंग भी उससे ही होता है, जितना भी टीवी चलती हैं। सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी, बाकी सब स्पेस एजेंसी का भारत की तो इसरो। और सबसे दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी कौन सी है स्पेस की? नासा। क्यों वो अच्छी है, भारत की क्यों नहीं अच्छी है? ये मुझे नहीं पता है, मैं सुना नहीं है इसके बारे में, ना मैंने वीडियोस देखे। लेकिन यार कितनी इंफॉर्मेशन है स्पेस के बारे में, कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज समा जाती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत होगी। अगर चना जितना जो इतना बड़ा ब्लैक होल गिर जाए धरती पर तो धरती को तुरंत थपेट लेगा। और क्या जानते हो? और जो मतलब ब्लैक होल बनता है कैसे, जो सन होता है जैसे कि कोई सूरज हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है उसको फ्यूल कहते हैं। अब जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दबाती है उतना ही फोर्स वो लगाता है कोर की जो हाइड्रोजन फ्यूल, तो तभी वो जो बैलेंस रहता है। जब हाइड्रोजन फ्लूइड सब ख़त्म हो जाता है तब वो जो है दब जाता है, उसका सारा का सारा हीट और हाइड्रोजन सब उसके अंदर ही समा जाता है और वो बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। सैटेलाइट बनाने के और क्या कौन कौन से फ़ायदे? एक तो हो गया मोबाइल हमारे चलते हैं, इसके अलावा और कोई फ़ायदा है उससे? मुझे ये नहीं पता है। और कुछ भी नहीं पता तुम? मतलब जैसे सैटेलाइट कौन सी एजेंसी बनाती है पता है? वॉयेजर 2 जो है अजीब से जो है हम या फिर कुछ सिग्नल भेज रहा था इस तरीके के, तो जब पता चला कि वो जो जैसे कोई रेसिंग कार होती है। ये बताओ ये सब तुमको पता कहाँ चलता है, इतनी कहानी बता, कैसे पता चलता है तुमको, स्कूल में पढ़ा? हाँ ये मैं देखता हूँ अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अंतरिक्ष वाला है अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अर्थ वाला है या फिर कुछ अमसम टीवी इट्स अमसम टाइम में भी सब बता देते हैं। और बाकी एक चैनल भी है वो नहीं याद आ रहा, बस चैनल अच्छा। तो तुम स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या चीज़ बनाओगे जिससे फ़ायदा होगा लोग? सुनिए तो पहले। अच्छा बता। पहले ये सुन लीजिए कि जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप कर चुकी दो जो 40,000 बार और उसकी जो जो सोलर विंड्स हैं वो हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड ही रोकती है जो सन से आती हैं, अब उसको रोकने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब फ्लिप करती है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल फ्लिप कर जाते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती है, हम लोग को ऊपर जो है ये रेडिएशन पड़ती है। ये बताओ कि तुम बड़े होकर जब स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फ़ायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पॉल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज, एनर्जी खुद यूज़ करती है, नो पॉल्यूशन। और एक ऐसी मशीन बनाऊंगा उसके कार के अंदर ऐसी मशीन फिट करूंगा उसकी वो पॉल्यूशन ले और एयर छोड़े। वाह क्या बात है। बताओ जो वेदर होता है मौसम जो होता है इसके लिए कौन से सैटेलाइट ज़्यादा जो है यूज की जाती है पता है कुछ? कौन से सैटेलाइट और जो इसरो और नासा सबसे ज़्यादा बनाती है वेदर सैटेलाइट? भारत की एजेंसी है इसरो, वो क्यों सबसे टॉप पे नहीं आ पाई है अभी तक? नासा क्यों टॉप पे? ये मुझे नहीं पता है। और ये बताओ और कुछ तुम मैसेज देना चाहते हो, किसी को कुछ बोलना चाहते हो, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनसे कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा जो मैं बता दूँ, जो सीक्रेट पीते हैं दारू, सीक्रेट मतलब सिगरेट है वही, मतलब सीक्रेट पीते हैं दारू पीते हैं या फिर पान खाते हैं उनको मैं वार्निंग दे दूँ, सीक्रेट के बारे में मुझे पता है बाकी सबके बारे में नहीं पता। या फिर सीक्रेट के अलावा ये जो दो चीज़ें होती हैं वो क्या कहते हैं उनको, दारू और जो पान मसाला,
इनके अंदर भी यही केमिकल होते हैं। मैं केमिकल बनाना शुरू करता हूँ। हार्पिक, हार्पिक केमिकल जो चूहा जो मतलब फंसाने वाले केमिकल होते हैं, मतलब हार्पिक जिससे बनता है कि हार्पिक ही डाल देते हैं? नहीं, हार्पिक जिससे बनता है एक केमिकल डाल देते हैं। और एडिटिंग जो मतलब कीड़ों के मारने वाली दवाई यूज होता है, कॉकरोचेज इस्तेमालते हैं। और सीक्रेट में यूज होता है चूहे को जो फंसाता है वो वाला जो जाल वाला, उसमें केमिकल होता है। और जो है मतलब कार की बैटरी में यूज होने वाला फ्लूइड और काफ़ी सारा और केमिकल, और एक जो है जहर यूज होता है जो सीक्रेट के अंदर, वो जो सीक्रेट होती पीते हैं उसको, वही उसके अंदर। और बाकी दारू और वो पान मसाला तो उनके अंदर भी यही केमिकल हो सकते हैं। क्या मतलब ये तुम ये बता के तुम क्या कहना चाहते हो? मत पियो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीक्रेट और पान मसाला ये दारू मत पिए, मैंने बता दिया है। और इससे हम लोग के लंग्स जो डैमेज होता है तो हम लोग की जो ब्लड वेसल वो बंद हो सकती है, और हार्ट होता है वो ब्रेन स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए जो है आपको दारू और जो सीक्रेट है आप पान मसाला नहीं खाना चाहिए। थैंक यू सर। क्या नाम? समर आज़ाद। आप? आयशा फातिमा। किस क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड बी, थर्ड सी। क्या बनोगे आगे? बड़े होकर कुछ एम सेट कर रखा है कि आगे चलकर क्या करोगे? डॉक्टर। आप? आईएएस। आईएएस बनोगे? आईएएस मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये ना आईएएस बनोगे। अच्छा ये बताओ कि भारत के जो अगल बगल के देश हैं उनके बारे में कुछ जानते हो? कौन कौन से देश भारत की सीमा से लगे हुए पड़ते हैं? नहीं इतना ज्यादा तो मैं मैप ज्यादा नहीं देखता। तो आप बताओ, चीन का नाम सुना है? चीजों के जो सामान लेते हो उस पर कहीं दिखा होगा तुमको मेड इन चीन, है ना? यहाँ टॉयर लेते हो? हाँ, मैं देखता हूँ। तो आपको कैसा लगता है, किस तरीके का कंट्री, क्या किस तरीके के देश होगा वो? अच्छा होगा आपको? मुझे नहीं अच्छा लगता। चाइना नहीं अच्छा? क्यों? इसलिए क्योंकि वो इंडिया और चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई थी, और कहते हैं चाइना मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता कि उसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, पर मेरी वो चीज़ें भी बहुत टूटी हैं, इसलिए मुझे चीज़ें टूट जाएंगी। हाँ वो अपने मतलब कनेक्ट है पर वो दिखाया नहीं जाता। पाकिस्तान का नाम सुना है? हाँ मैंने देखा भी है। कैसा देश? अच्छा नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बेवजह दुश्मनी करते हैं। आप? मैं भी यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता है पाकिस्तान चाइना और इसके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? हाँ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ा? छह जाते कि पाकिस्तान का कैपिटल, चीन का कैपिटल, ये सब के सारे देश की कैपिटल, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। हाँ जी, मेरे में भी यही पढ़ाया जाता। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ये आप सबने, हमारे यार स्टूडेंट्स को ना ये मतलब जो टीचर्स लोग ये होते हैं ना उनका काम ही होता है बच्चों को आप सही से एजुकेशन दें, लेकिन हमारी बुक्स में भी जो लिखा होता है फिर टीचर्स ने भी तो वही पढ़ाना होता है। हमारा इतनी देर से हमें जो सिलेबस चलता आ रहा है ना, इन्होंने अभी भी वही सिलेबस रखा हुआ है। मतलब सिलेबस को चेंज करना चाहिए, साल ब साल उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने यही पढ़ाना होता है बच्चों को कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है और बड़े होके हमने उनको यही खत्म कर देना। अब हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो बोल रहे थे कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा और बड़ा होके इंडिया को जो है ना वो मैं खत्म कर दूंगा। ये एजुकेशन बहुत ही ज्यादा गलत है। जो स्कूल लेवल पे छोटे छोटे बच्चे मासूम है उनको तो इन चीजों का पता तक नहीं होता कि ये वो क्या बोल रहे हैं, उनको इतनी समझ भी नहीं होती, लेकिन हमें क्या क्यों ये करते हैं ऐसा? बहुत बुरी हरकत है ये। कितनी बुरी हरकत है ये। अब ये बच्चा जो है अभी इसका मैं सोच रही थी कितना इसको इंटरेस्ट है इस चीज में कि वो साइंस के बारे में जान रहा है कि वो टीवी में क्या देखता है, साइंस साइंस को जान के उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो जो कार्टून तफला तो टमका गाने सुन लिए तो चलो जी इंटरटेन हो गए बस ठीक है, लेकिन कोई बच्चा हमें इस तरह से कैसे हो सकता है इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमें मुझे नहीं है इतनी इंफॉर्मेशन जितनी इस बच्चे या जो छोटा था वो सिगरेट के बारे में उसने कितना कुछ बताया कि इसमें इतने केमिकल्स यूज होते हैं और ये पीने से आपको लंग्स जो आपके खराब हो सकते हैं, आपकी जो ब्लड वेन्स और चल रही होती है वो बंद किसी भी टाइम हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, इतने ज्यादा उसने नुकसानात बताए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर बच्चों को हमारे स्कूलों में भी दी जाए तो हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ, क्योंकि पाकिस्तान की ग्रोथ की एक वजह सिर्फ
रुकी हुई है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के वजह से, एजुकेशन सिस्टम में हमें चेंजिंग लानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी जो है ना वो इंडिया के दुश्मन मानने की बजाय उसको एक हमसाया मुल्क माने। और हाँ, हमारे उनके साथ कुछ है प्रॉब्लम्स, इतना बस बता रहे हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन ये क्यों मतलब कहना कि भाई हम उनको खत्म ही कर देंगे, ये चीज बहुत ज्यादा एक माइंड सेट जो है उसको जाहिर करती है। पूरी दुनिया में ये पैगाम जाए तो वो क्या सोचेंगे कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। बच्चे बच्चों को हमें, बच्चे तो बिल्कुल मासूम होते हैं, उनको तो ऐसी तालीम देनी चाहिए जो जैसे ये बच्चा इंडिया का था, साइंस के बारे में बताओ उनको। हमारी जो स्पार्क का वो तो वैसे ही उसका कभी नाम ही नहीं सुना कि उसने कभी कोई किया है, लेकिन इसरो का तो भाई नाम हमने बहुत ज्यादा सुना है, उन्होंने तो पिछले दिनों इतना बड़ा कामयाब तजर्बा भी कर लिया, लेकिन क्या कर सकते हैं हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, और ये जो नफरतें हैं ना इनको बुलाकर अपनी तालीम पे तवज्जो देंगे तो हम बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलना चाहेंगे। हाँ, ऐसे बात बच्चों को करनी नहीं चाहिए, कहनी नहीं चाहिए कि ऐसी बात है, बच्चों के जहन में बैठ जाती है ऐसी बातें। हाँ, बच्चों को सिखाते हैं अच्छी बातें, सिखानी चाहिए बच्चों को, बुरी बातें नहीं सिखानी चाहिए। खैर, वो हमारा हमसाया है, हमारा अपना है, सही बात, ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को सही तालीम दो ताकि वो बड़े हो कभी एक पॉजिटिव माइंड के साथ बड़े हो सके। जब उसको शुरू से नफरत से आप बड़ा करोगे तो वो बड़ा होने तक उसके जहन में पता नहीं कितना को जहर घुल जाएगा, जो कि आजकल आपसे ज्यादा पाकिस्तानियों के दिमागों में घुला पड़ा हुआ है। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है। थैंक यू।